अहम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर पंचकुला से। आपको बता दें कि पंचकुला में पुलिस भर्ती के दौरान हुए फर्जीवाड़े के मामले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि इस मामले में 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपियों को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले बीते हफ्ते 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं अब 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो पंचकुला से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि पंचकुला में पुलिस भर्ती के दौरान हुए फर्जीवाड़े के मामले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस फर्जीवाड़े मामले के 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें हरियाणा की अलग अलग जेल में 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और इस मामले में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन्हीं आरोपियों की है जो गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि ये आरोपी पुलिस भर्ती के दौरान हुए फर्जीवाड़े में शामिल थे और इन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 और हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2021 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा फर्जीवाड़ा फिजिकल टेस्ट देने के दौरान हुआ था और अब इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर पंचकुला से। आपको बता दें कि पंचकुला में पुलिस भर्ती के दौरान हुए फर्जीवाड़े के मामले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि इस मामले में 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपियों को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले बीते हफ्ते 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं अब 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो पंचकुला से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि पंचकुला में पुलिस भर्ती के दौरान हुए फर्जीवाड़े के मामले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस फर्जीवाड़े मामले के 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें हरियाणा की अलग अलग जेल में 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और इस मामले में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन्हीं आरोपियों की है जो गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि ये आरोपी पुलिस भर्ती के दौरान हुए फर्जीवाड़े में शामिल थे और इन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 और हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2021 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा फर्जीवाड़ा फिजिकल टेस्ट देने के दौरान हुआ था और अब इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।